जी सावन मोहन, वेलकम टू यू मी एंड टीवी। आज वॉटसन में बैग तो नहीं, पर मैं आज आपको वॉटसन में पाउच दिखाने वाली हूँ। मैं आपको मेरा मेकअप पाउच दिखाने वाली हूँ, एंड आई एम रियली ऑब्सेस्ड विथ मेकअप। आज तो आधा ही लेकर आई हूँ। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट। सो मुझे मेरा बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसके बिना मैं आई डोंट कंप्लीट माई मेकअप। आई हैव दिस व्हाट डू यू कॉल इट, आईलैश आई लैश कर्लर, जिसके बिना मैं लैशेस करती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत लोग टोकते रोकते हैं कि लैशेस टूट जाएंगी, पर मैं नहीं सुनती हूँ। उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला था कि मैं प्राइमर यूज करती हूँ। दिस इज माई फेवरेट मस्कारा, सो इट हैज़ अ प्राइमर इन इट और एक वाटर प्रूफ मस्कारा भी है उसके साथ। क्या होता है कि इतना रोना पड़ता है और अभी हमारे मतलब मैंडेटरी हो गया है कि अगर इमोशनल सीन है तो ग्लिस विस लो, तो मस्कारा स्टार्ट्स रनिंग आउट। सो उसके लिए वाटरप्रूफ मस्कारा। और अभी कुछ मेरे फेवरेट आई ब्रशेस हैं जो मैंने मंगवाए थे बाहर से। आई रियली लव देम, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। आई जस्ट लव द फील ऑफ इट। और मेरे पास हाँ और बहुत बड़ा कलेक्शन है, हाँ वो यहाँ पर आधा रखा है, आधा घर पर रखा है, बिकॉज आई हैव अ कबर्ड हियर। सो बिकॉज हम लोग एवरी डे शूट करते हैं तो मैं आधा सामान यहीं पर छोड़ के जाती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्रश किस चीज़ के लिए, तो मैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ मुझे जैसा अच्छा लगेगा। और मेरा फेवरेट शेडो प्लेट है, ये बहुत फेवरेट है एलमी का। सो इतना अच्छा पिगमेंट्स होते हैं, एंड अगर सटल रहे मेकअप तो अच्छा थोड़े तो गए। लगता है। हाँ तो अगर मेकअप सटल रहे तो बहुत अच्छा लगता है, और ये ना पिगमेंटेड भी और सटल भी लगता है। सो आई कैन एक्सपेरिमेंट विथ माई लुक्स एंड इट्स रियली लवली। हाँ, मस्ट हैव इन माई मेकअप किट इज माई ब्राउ किट। ये बहुत गंदे तरीके से यूज करती हूँ मैं, क्योंकि मैं एवरी डे मैं मेरे ख्याल से इसमें मेकअप फिक्सर भी डाल देती हूँ, और मुझे जैसा मन करता है मैं वैसे यूज़ कर लेती हूँ। देयर इज अ वैक्स इन इट, सो मैं अपने आईब्रोज भी फिक्स कर लेती हूँ उससे। तो और क्या है, और क्या दिखा सकती हूँ मैं? हाँ, ये मेरा सबसे पुराना साथी है जिसका मैं साथ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी ये यहाँ पर नहीं मिलता। ये सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल, द कलर इज सो ब्यूटिफुल, बहुत सॉफ्ट है ये। एक्चुअली मुझे मेरे घर वाले मुझे जानते हैं, इसलिए सब लोग मुझे मेकअप ही गिफ्ट करते रहते हैं। तो ये कलर यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल नहीं था, शायद ये यहाँ के स्किन टोन के लोग नहीं यूज़ करते, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं तो यहीं क्यों। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस इज़ अ कंसीलर, इट्स ग्रीन। सो ज़्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ग्रीन कंसीलर भी हो सकता है। तो मैं यूज़ करती हूँ इसे, मुझे तरह तरह की चीज़ें अपने डेली लाइफ में यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली, मेरा ये लिप स्क्रब एंड लिप ट्रीटमेंट एवरी डे, क्योंकि बहुत ड्राई हो जाते हैं, बार बार हम लोग टचअप करते रहते हैं लिपस्टिक्स। तो ये स्क्रबिंग भी कर लेती हूँ मैं मॉर्निंग, अगर मैं मेकअप के वक्त स्क्रब कर लूँ लिप्स एंड उसके बाद में वाइप करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट लगाओ, तो थ्रू आउट द डे मेरे लिप्स बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हैं। मेकअप टिप्स यार, अपना जितना कंफर्टेबल हो, यू कैन गो ओवर बोर्ड, यू कैन बी सटल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेकअप करोगे तो ही अच्छे लगोगे, आप अपना ख्याल भी रखो, अपनी स्किन का ख्याल भी रखो, तो आप बहुत अच्छे लग सकते हो। मेकअप इज़ नॉट मैंडेटरी। मुझे अगर मैं इस फील्ड में नहीं होती तो मैं शायद इतना मेकअप यूज़ भी नहीं करती, मुझे पता भी नहीं होता। सिंस मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। बट अदरवाइज शायद मैं बाकी कोई प्रोफेशन में भी होती तो मुझे मुझे नहीं लगता है मैं मेकअप करने के एफर्ट्स करके बाहर जाती, मैं जैसी हूँ वैसी ही चली जाती।